स्टार्ट करें। आसान से बेटा आपका सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। पेपर नंबर सिक्स। पेपर नंबर सिक्स शुरू करने जा रहे हैं बेटा। बहुत ही आसान से सब्जेक्ट है बेटा आपका ये। पेपर का नाम है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। एक आसान सा सब्जेक्ट है बेटा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। पेपर नंबर सिक्स शुरू करने जा रहे हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। सबसे पहली बात, ये फुल फ्लेज पेपर है, 100 मार्क्स, कोई सेग्रीगेशन नहीं है। जैसे आपके कई सब्जेक्ट्स में सेकंड ग्रुप में सेग्रीगेशन है, EISSM में या FM और ECO में, यहाँ पर ये फुल फ्लेज 100 मार्क्स का यही आएगा बच्चे, ठीक है। अब ऑडिट होता क्या है, ऑडिटिंग के बारे में शुरुआत करते हैं बहुत ही आसान एग्जाम्पल से। जैसे एक एग्जाम्पल से ऑडिट का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी है जो दो पार्ट्स में बटी हुई है, एक तरफ कंपनी के ऑनर्स और दूसरी तरफ कंपनी की मैनेजमेंट। बोलना पड़ेगा बेटा, एक तरफ कंपनी के और दूसरी तरफ कंपनी की। आप सबको बताइए, जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं वो मेंबर्स कहलाते हैं। मेंबर्स मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, है ना। जो कंपनी के कौन होते हैं, मेंबर्स, मालिक, उन्हें हम किस नाम से, जिसे आप लेमैन लैंग्वेज में इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं ना, लॉ की लैंग्वेज में उसे क्या कहा जाता है, मेंबर्स। समझ आ गया। अच्छा, जबकि कंपनी को जो लोग मैनेज कर रहे हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चल, कंपनी के मालिकों को कहा जाता है मेंबर्स, जबकि कंपनी को जो मैनेज कर रहे हैं वो लोग कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, जब कंपनी को मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं, यानी डे टू डे की एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज मतलब जो रोज काम होना है कंपनी में, जो रोज काम होना है उसे मैनेज भी कौन कर रहे होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो कंपनी में रोज काम होना है उसे मैनेज भी कौन कर रहे होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कहने का मतलब क्या है, डे टू डे एक्टिविटीज कैरिड ऑन बाय BOD। आगे बात करते हैं। देयरफोर हम ये कह सकते हैं, जब डे टू डे के काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं तो कंपनी में अकाउंटिंग का भी डे टू डे का काम, या पूरा जो अकाउंटिंग का काम है वो भी कौन संभाल रहे होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोलना पड़ेगा ना, कौन संभाल रहे होंगे, ठीक है ना। यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही हो गई, प्रिपेयर्ड हो रही हो गई एंड प्रेजेंट हो रही हो गई बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर एक बार दोबारा बताना, अभी तक आपने क्या पढ़ाया बेटा। हम ना पेपर नंबर सिक्स शुरू करने जा रहे हैं, बहुत ही आसान सा पेपर है पेपर नंबर सिक्स, जिसका नाम है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। एक बार जयकारा हो जाए, क्या नाम है बेटा इसका, ठीक है। जो ये ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस है, 100 मार्क्स का फुल फ्लेज पेपर है, तो हम ना ऑडिट शब्द को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो उसे समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा। बताओ बेटा, कंपनी में कितने पार्ट्स होते हैं, बताओ, दो पार्ट्स, एक तरफ कंपनी के, दूसरी तरफ कंपनी की। अच्छा, ऑनर्स कौन को होते हैं, जिन्हें आप नॉर्मल जिंदगी में क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। जबकि कंपनी को मैनेज कौन कर रहे हैं, अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या है, डे टू डे की एक्टिविटीज को संभालना,
अच्छा, जब हम ये कह रहे हैं वो डे टू डे की एक्टिविटीज को संभालते हैं, तो देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं कि सारा काम ही कंपनी का वो कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग का काम भी वो कर रहे हैं। यानी कंपनी के लिए जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो कौन बना रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बना रहे हैं। मालिक कौन है? मेंबर्स। अब मालिक ये जानना चाहते हैं, मालिक ये जानना चाहते हैं कि हमारे बिहाफ पर, क्योंकि मालिक ये हैं, हमारे बिहाफ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उसमें उसमें लिखी हुई बातों में कितनी सच्चाई है, ये कौन जानना चाहते हैं? मालिक। वो कह रहे हैं हमारे को इस साल सेल करी है हमने 10 लाख की। मालिक कह रहे हैं हो सकता है 10 लाख से ज्यादा करियो और हो सकता है 10 लाख से कम करियो। ये कह रहे हैं हमारी बैलेंस शीट में कैश का अमाउंट दिख रहा है 1 लाख। ये कह रहे हैं हो सकता है कैश क्या हो ज्यादा और हो सकता है कैश क्या हो कम। अब इक्विटी शेयर होल्डर यानी पता लगाना चाहते हैं कि इनके बिहाफ पर, एक बार बोलना पड़ेगा, इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है। तो मेंबर इक्विटी शेयर होल्डर कह रहे हैं यार अपने को तो अकाउंट्स आती नहीं है, इंडिया में एक ही बंदा है जिसे अकाउंट्स आती है, वो कौन है? कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट। कह रहे यार किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ढूंढते हैं और उसे कहते हैं कि यार तू हमारे बिहाफ पर कंपनी में जा। बोलना पड़ेगा किसको ढूंढते हैं? किसी, और उसे कहते हैं तू हमारे बिहाफ पर कहां जा। ठीक है जी, यानी इन्होंने अपॉइंट करा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो कौन हो सकता है? जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ क्या हो? प्रैक्टिसेस। बोलना पड़ेगा ये कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जिसके पास क्या हो? सर मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मतलब उनने इंस्टीट्यूट से परमिशन ले रखी है इस बात की कि मुझे ऑडिट वाले काम करने दो। समझ आ गया? अच्छा, ये अपने लिए जा रहा है या मेंबर्स के बिहाफ पर जा रहा है? जा रहा है। बताओ क्या करने जा रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग, यानी ये करने जा रहा है चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या नाम दे देते हैं हम? ऑडिट। बोलना पड़ेगा यही चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम क्या नाम दे देते हैं? यानी ऑडिट का मतलब हो गया किसी भी चीज को चेक करना। हमारे कोर्स में सिर्फ यही चेकिंग है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेकिंग करना सिखाएंगे, लेकिन फाइनल लेवल पर आप देखोगे तो चेकिंग और भी, ऑडिट और भी कई तरीके के होते हैं। लेकिन अभी हमारा कंसर्न क्या है, हमें अभी के लिए ये मीनिंग मानकर चलना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने को क्या कहते हैं? ऑडिट। बोलना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने को क्या कहते हैं? ठीक है जी, और जो सीए ये ऑडिट करने जा रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑडिटर। बोलना पड़ेगा जो सीए इसे चेक करने जा रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है जी। अब ऑडिटर पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर ये बताएगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बनाई थी, मैनेजमेंट ने बनाई थी, उसमें कहां कहां पर गड़बड़ है और कहां कहां बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यानी जब पूरी चेकिंग हो जाएगी तो ऑडिटर अपना एक ओपिनियन फॉर्म करेगा, अपना एक ओपिनियन फॉर्म करेगा। यानी ऑडिटर को पूरी चेकिंग करने के बाद एक क्या बनाना होता है? ओपिनियन। जयकार लगाओ, क्या बनाना होता है? ऑडिटर को ओपिनियन देना होता है, सर्टिफिकेट नहीं। ये सेंटेंस याद करो, ऑडिटर को क्या देना होता है? ना कि, दोबारा, ऑडिटर को क्या देना होता है? ना कि, यानी ऑडिटर जब ओपिनियन देगा, ओपिनियन और सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं। मैंने आपसे पूछा यार ये चीज ठीक है, आप कह रहे हो यार मेरे हिसाब से तो ठीक है, बाकी तू देख ले। ये हो गया क्या? ओपिनियन। बोलना पड़ेगा क्या हो गया ये? लेकिन जब आप हमारे से फॉर्म अटेस्ट करवाते हैं
तो हम सर्टिफाई करते हैं कि ये ही बंदा है जिसका मैं फॉर्म अटेस्ट कर रहा हूं, इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन है ही नहीं, 100% श्योर हूं। तो यानी जब आपको 100% श्योरिटी होती है ना, तब आप देते हैं क्या, सर्टिफिकेट। तो ऑडिटर को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं कहा गया, ऑडिटर को क्या देने के लिए कहा गया, ओपिनियन में आप 100% श्योर नहीं भी है तो अब भी काम चल जाता है, मेरे हिसाब से ऐसा है। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? पक्का? अभी तक की कहानी बताओ इसको, इस एग्जांपल को कंप्लीट करने से पहले बताओ बेटा हमारे पेपर नंबर कौन सा है? दम नहीं है। पेपर नंबर, पेपर का नाम मंजर, पेपर का नाम ठीक है जी। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के अंदर हमें समझने के लिए एक एग्जांपल उठाया जिसमें हमने ये पढ़ा कि कंपनी कितने लेवल की, कंपनी में कितने पार्ट्स होते हैं, एक तरफ कंपनी के, दूसरी तरफ कंपनी की, अच्छा जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो ही उनकी अकाउंटिंग करती है, लेकिन जो मालिक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे बिहाफ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे मैनेजमेंट ने बनाई है उसमें लिखी हुई बातों में कितनी सच्चाई है। अब ये पता लगाने के लिए मेंबर्स कह रहे हैं हम खुद जाएं, आपस में मेंबर ने कहा यार हमें तो अकाउंटिंग आती नहीं है तो हम चेक जाकर क्या करेंगे, जो चीज आती हो उसे तो पता लगा सकते हैं कि ये चीज ठीक है या गलत। तो इन्होंने अपने बिहाफ पर किसी सीए को अपॉइंट करा, किसी किसको अपॉइंट करा, और उसे कहा तुम जरा जाओ और जाकर पता लगाओ कि जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे लिए अकाउंट बना रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, यानी क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, एक बार बोलना पड़ेगा, क्या दे रही है या नहीं। मैंने बेटा वर्ड क्या यूज करा, ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी चेकिंग ऑडिट किस चीज के लिए कर रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं, बोलना पड़ेगा ट्रू एंड फेयर व्यू। मैंने यहां पर ट्रू एंड करेक्ट वर्ड यूज नहीं करा। अच्छा अगर मुझे सर्टिफिकेट देना होता तो मैं क्या वर्ड यूज करता, ट्रू एंड करेक्ट। मैं क्या वर्डिंग यूज कर रहा हूं, ट्रू एंड फेयर। थोड़ी सी देर में जाते आज की क्लास के एंड तक जाते जाते हम इसका मतलब समझ जाएंगे कि ट्रू एंड फेयर व्यू क्यों बोला गया, ट्रू एंड करेक्ट व्यू क्यों नहीं बोला गया। समझ रहे हैं मेरी बात? पक्का? अच्छा, ऑडिटर ने जब पूरी चेकिंग कर ली तो ऑडिटर कह रहा है मेरे हिसाब से बिल्डिंग के अमाउंट में गड़बड़ है, मेरे हिसाब से बिल्डिंग के अमाउंट में गड़बड़ है, मेरे हिसाब से कैश के अमाउंट में गड़बड़ है, और मेरे हिसाब से स्टॉक के अमाउंट में गड़बड़ है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो ऑडिटर ने अपना ओपिनियन बनाया है वो ये किसे बताएगा, जिसने इसको काम पर भेजा था, किन्होंने भेजा था, दम नहीं है, किन्होंने, मेंबर्स ने कहा था ना जाओ जरा पता लगा कर आओ, अब मेंबर्स को बता देगा मैं पता लगा कर आ गया। अच्छा, जब ये मेंबर्स को बताएगा तो ओरल फॉर्म में बताएगा या रिटर्न फॉर्म में, मजा नहीं आ रहा, ओरल फॉर्म में बताएगा या रिटर्न फॉर्म में। तो रिटर्न फॉर्म में जब ये अपना ओपिनियन देता है तो हम कह रहे हैं ये एक रिपोर्ट बनाकर देगा, जयकार लगाओ, ये एक, दम नहीं है, ये एक रिपोर्ट में ओपिनियन लिखे जाते हैं, समझ आ गया। तो ऑडिटर एक रिपोर्ट सबमिट करेगा किसमें, मेंबर्स को, उस रिपोर्ट का नाम होगा ऑडिट रिपोर्ट, जयकार लगाओ, उस रिपोर्ट का नाम होगा, यानी ऑडिटर मेंबर्स को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा, ऑडिटर मेंबर्स को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा जिसमें अपना क्या देगा, ओपिनियन कि मेरे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे। पॉइंट समझ आ गया? सर रिपोर्ट वर्ड क्यों यूज हुआ, आप यार बचपन में इतने इतने थे ना तब भी रिपोर्ट राइटिंग आती थी आपको, कि आप जा रहे हो रोड पर आपने देखा एक एक्सीडेंट और उसके ऊपर रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट मतलब आप अपने हिसाब से बताओ कि आपने वहां पर क्या देखा क्या हुआ था, यानी जब हमें अपने हिसाब से बताना होता है ना तो हम क्या देते हैं, रिपोर्ट देते हैं। समझ आ गए? पक्का? एक बार ये नोट करो फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
अभी आईसीआई की अनाउंसमेंट थी इंटीग्रेटेड एमसीक्यू के लिए, है ना। तो अभी क्लैरिटी नहीं है कि इंटीग्रेटेड एमसीक्यू पूछेंगे या एमसीक्यू पूछेंगे। जैसी क्लैरिटी आएगी बेटा हम डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेटेड एमसीक्यू का मतलब आप सबको पता है ना? नहीं पता? जैसे आपके अनसीन पैसेज आते थे ना, यहाँ पर आपको एक तरह से वही कॉन्सेप्ट पे पैसेज आएंगे और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको आएंगे अब ये करके दिखाओ, फिर आप कर देना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। मतलब काम आसान हो गया, पहले आपको वो कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा याद रखना पड़ता था, अब आपको वो याद है। हाँ जी बच्चे, रेजोल्यूशन सुने बेटा? रेजोल्यूशन आपने अगर ग्रुप वन की लॉ पढ़ ली, पढ़ रहे हैं, आपने एजीएम का चैप्टर पढ़ा हो तो एजीएम के चैप्टर में ऑर्डिनरी बिजनेस होता था। ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या होता था? चार तरह के बिजनेस होते थे और उसमें क्या होता था? अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो उसके अकॉर्डिंग मेंबर्स रेजोल्यूशन पास करते हैं और फिर ऑडिटर अपॉइंट होता है। प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बढ़ाएं बेटा कहानी आगे बढ़ाएं। मेरी तरफ से नोट कर लिया आपने। चले अरे बेटा, अच्छा जी, अब हम ऑडिटिंग शब्द का मतलब, अभी हमें सिर्फ एक बात समझ आ गई कि हमारे कोर्स में ऑडिट शब्द का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना। लेकिन अगर आईसीआई के अकॉर्डिंग देखें तो उसने एक डेफिनेशन दे रखी है ऑडिटिंग की। आईसीआई के अकॉर्डिंग देखें तो उसने बेटा डेफिनेशन दे रखी है किसकी? ऑडिटिंग की। तो वही डेफिनेशन को हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी आप कुछ भी नोट नहीं करेंगे जब तक मैं आपको ना कहूं, ठीक है बच्चे? चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग गिवन बाय आईसीआई। डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग गिवन बाय आईसीआई, ठीक है बेटा। हम एकदम से पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, हम एक एक शब्द को पढ़ेंगे और उसका मीनिंग निकालेंगे, तब हमारे को थोड़ा बहुत ऑडिट पढ़ना समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? चलो सबसे पहले ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन।
ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. कह रहे ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक, ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है. यानी एग्जामिनेशन का मतलब तो पता चल गया आपको, चेकिंग है. कह रहे ऑडिट एक सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है. सर यहां पर सिस्टमैटिक से क्या मतलब है? अभी बेटा कोई भी बच्चा नोट नहीं करेगा, इसको मैं वन मार्क करता हूं और मैं इसको डिफाइन करता हूं जैसे वर्किंग नोट टाइप. कह रहे सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन का क्या मतलब है? सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन से क्या मतलब है? जरा सुनो, अकाउंट्स बनाते हो तो अकाउंट्स को बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हो. अकाउंट्स जब बनाते हो तो अकाउंट्स को अकाउंटिंग कैसे होगी वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंडियस में लिखी हुई है, वैसे ही ऑडिट कैसे करना है ये सब के लिए बने हुए हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. जयकारा लगाओ. क्या? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. एक बारी और. यानी जैसे अकाउंट्स बनाने के लिए क्या बने हुए हैं, एएस या इंडियस, वैसे ही ऑडिट करने के लिए क्या बने हुए हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन, जिन्हें हम एसएस के नाम से पुकारेंगे. जिन्हें हम किस नाम से पुकारेंगे? एसएस के नाम से. तो अगर ऑडिटर ने ऑडिट करते वक्त स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का पालन करा है तो हम कहेंगे यार उसने जो चेकिंग करी है ना वो सिस्टमैटिक तरीके से करी है. सर क्या 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 दोबारा? मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चे, जब ऑडिटर चेकिंग कर रहा है, किसकी चेकिंग कर रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करते वक्त ऑडिटर तुम्हें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करने हैं. अगर तुम कर रहे हो तब ही हम कह पाएंगे कि तुमने क्या करी है, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन. यानी अगर हम बात करें सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन से क्या मतलब है, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू फॉलो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं ऑडिटर तुम अगर ऑडिट के दौरान स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करोगे तब हम कहेंगे आपने जो एग्जामिनेशन करी है वो कैसी करी है, सिस्टमैटिक. जयकार लगाओ. तब हम कहेंगे आपने जो एग्जामिनेशन करी है वो कैसी करी है. यानी सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन कब कहलाएगी? जब ऑडिटर ऑडिट करते वक्त एसएस को फॉलो करेगा. ठीक है जी. यानी हमें ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है. यानी ऑडिट को हमें सिस्टमैटिक तरीके से करना होता है. और दूसरा शब्द क्या वर्ड यूज हुआ बेटा, इसको मैं टू मार्क कर देता हूं. इसे मैं क्या मार्क कर देता हूं? टू, है ना. दूसरा पॉइंट कह रहे हैं ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है. अब मेरी बात जरा सुनना, अगर ऑडिट करने वाला पर्सन इंडिपेंडेंट पर्सन होगा तो हम ये कह पाएंगे कि उसके द्वारा जो चेकिंग करी गई है वो भी इंडिपेंडेंट है. सर एक बार फिर मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, जब ऑडिट करने वाला पर्सन इंडिपेंडेंट पर्सन होगा तब ही मैं कह पाऊंगा कि उसके द्वारा करे जाने वाली चेकिंग भी इंडिपेंडेंट है. यानी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन के लिए ऑडिटर का क्या होना जरूरी है, इंडिपेंडेंट पर्सन. मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन होगा तब ही
हम कह पाएंगे कि जो एग्जामिनेशन हुई है, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुई है, वो इंडिपेंडेंट तरीके से हुई है। यानी मेरी बात जरा समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा तब ही हम कह पाएंगे कि जो ऑडिट हुआ है वो इंडिपेंडेंट तरीके से हुआ है। समझ आ गया? यानी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन के लिए क्या होना जरूरी है? ऑडिटर का इंडिपेंडेंट पर्सन होना। मजा नहीं आ रहा? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होने के लिए क्या होना जरूरी है? ऑडिटर, यानी अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन है ना, तब हम कह पाएंगे यार उसके द्वारा करे जाने वाली चेकिंग भी क्या है, इंडिपेंडेंट। अच्छा, आईसीआई क्या कह रहा है? ऑडिटर तुम्हें हमेशा कैसे वाली एग्जामिनेशन करनी है? इंडिपेंडेंट वाली। सर कुछ एक तो एग्जांपल दो तो हमें समझ आए। जरा सुनो सर, हम अभी नोटिंग ना करें? नहीं, पहले मेरी बात सुनो उसके बाद करना है। जरा सुनो, एक बात बताओ, ये एक कंपनी है, ठीक है? कंपनी में मिस्टर एक्स जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पार्ट ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है? मिस्टर एक्स का एक बेटा है एक्स वन। एक्स का बेटा कौन है? एक्स वन। बनता भी वही है ना, एक्स का बेटा एक्स वन ही चले तो ज्यादा बढ़िया। चलो, एक्स का बेटा है कौन? एक्स वन, जो क्या है? सी ए प्लस सीओपी। अच्छा, ये हो गया फादर और ये हो गया, समझ आ गया? अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं लिख दूं कंफर्म करने के लिए, लिख दूं कंफर्म करने के लिए। अब एक बात बताओ, इस कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिस्टर एक्स ने बनाई है, और अगर हम एक्स वन को कहेंगे इसकी चेकिंग कर, तो बताओ वो अपने पापा की गलतियां बताएगा? यानी उसकी एग्जामिनेशन इंडिपेंडेंट होगी या नहीं होगी? यानी हम कहेंगे एक्स वन इंडिपेंडेंट पर्सन, बोलना पड़ेगा एक्स वन इंडिपेंडेंट पर्सन, देयरफोर उसकी एग्जामिनेशन भी इंडिपेंडेंट नहीं होगी। तो बताओ, आपने याद है, अगर आपने ग्रुप वन में कंपनी ऑडिटर का चैप्टर पढ़ा हो, चलो कोई नहीं, फिर मैं मान के चलो आपने नहीं पढ़ा, आगे चलो। दूसरी बात, अच्छा अगर कंपनी में एक एम्प्लॉई है मिस्टर वाई, अगर हम इसको ही कह रहे हैं कि यार तू ही अपनी कंपनी का ऑडिट कर दे, बताओ ये कंपनी की गलतियां बाहर वालों को बताएगा या नहीं बताएगा? बताएगा तो हम इसे निकाल देंगे। अगर ये कंपनी की गलतियां बाहर वालों को बताएगा तो हम इसे रखेंगे या निकाल देंगे? हम कहेंगे भैया चल रही, चल अब ढूंढ ले अपना, बस बस बस, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे? जाओ यार जाओ। क्यों? क्योंकि ये हमारी कंपनी की गलतियां नहीं बता पाएगा, तो इसे भी हम इंडिपेंडेंट पर्सन, दम नहीं है, इंडिपेंडेंट पर्सन। और जब ये इंडिपेंडेंट पर्सन ही नहीं है, तो इसके द्वारा करे जाने वाली एग्जामिनेशन भी इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी हम इसे इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं कहेंगे। तो देयरफॉर इसके द्वारा होने वाली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन को भी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन नहीं कहेंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? पक्का? वापिस आते हैं, यार अभी तक की कहानी एक बार रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से, चलो आ जाओ फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बेटा याद होनी चाहिए, देखो मुझे भी पता है बेटा आपके पास और सब्जेक्ट्स का बर्डन है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी मैं आपको ऑडिट यहीं पर ही सारी याद करा दूं। बस घर जाके आपको 15 to 20 मिनट्स या 1 आवर पढ़ना पड़ेगा 2 दिन में,
आपकी यही तैयारी करवा दूंगा। वो आपको आज की क्लास के एंड पे रियलाइज भी हो जाएगा कि हाँ यार सर सही कह रहे हैं, यही याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको रिवीजन करने, वो भी मैं आपको पढ़ने का तरीका बताऊंगा, बहुत इजी हो जाता है। चलो पेपर नंबर कौन सा है आपको बोलना पड़ेगा, पेपर नंबर, पेपर का नाम, पेपर का नाम। अच्छा ऑडिट शब्द को समझने के लिए बोलना पड़ेगा, ऑडिट शब्द को हमें एक एग्जांपल समझना पड़ेगा और उस एग्जांपल के हिसाब से कंपनी के कितने पार्ट्स हैं, एक तरफ कंपनी के, दूसरी तरफ कंपनी की। अच्छा ऑनर्स कौन है, मेंबर्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, जबकि कंपनी की मैनेजमेंट किसके पास है, कंपनी की मैनेजमेंट किसके पास है, यानी कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज उन्होंने संभाली हुई है, तो अकाउंटिंग का काम भी उन्होंने ही संभाला हुआ है। और मेंबर्स ये जानना चाहते हैं हमारे बिहाफ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकाउंट्स बना रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, इस बात का पता लगाने के लिए वो अपने बिहाफ पर एक पर्सन को भेजते हैं, उस पर्सन को हम कहेंगे क्या, CA प्लस COP यानी ऑडिटर, समझ आ गया। अब ये जाएगा वहां पर क्या करेगा, चेकिंग, क्या करेगा, चेकिंग, और चेकिंग करने के बाद बताएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। अच्छा बताएगा ओपिनियन की फॉर्म में या सर्टिफिकेट की फॉर्म, अच्छा ओपिनियन ओरल देगा रिटर्न, अच्छा जब ओपिनियन रिटर्न फॉर्म में देगा तो हम कहेंगे वो एक रिपोर्ट बनाएगा, उस रिपोर्ट का नाम, ठीक है। अब इसके बाद हमने ऑडिटिंग की डेफिनेशन शुरू करी, अभी कोई भी बच्चा नोट नहीं करेगा, टाइम मिलेगा बेटा नोटिंग का। ऑडिटिंग की डेफिनेशन शुरू करी और ये डेफिनेशन बेटा मैंने अपने मन से बना रहा हूं या आईसीआई ने बता रखी है, ठीक है जैसे आपको मैं मान लेता हूं। आईसीआई ने स्टार्टिंग सेंटेंस कैसे स्टार्ट करा, ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, यानी ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। सर सिस्टमैटिक से क्या मतलब हुआ, जब ऑडिटर ऑडिट के दौरान स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलना पड़ेगा, स्टैंडर्ड्स ऑन को कंप्लाई करेगा, फॉलो करेगा, तो हम कह पाएंगे यार उसके द्वारा करी गई चेकिंग क्या है, सिस्टमैटिक। दूसरी बात ऑडिटर का क्या होना जरूरी है, तभी तो उसकी एग्जामिनेशन क्या कहलाएगी, दमने। अगर ऑडिटर एक क्या होगा, इंडिपेंडेंट पर्सन, तभी उसके द्वारा करी जाने वाली चेकिंग क्या होगी, ये देखो मैंने लिखा भी था, अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन होगा तब ही हम कह पाएंगे कि जो एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुई है वो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तरीके से हुई है, समझ आ गया। अब मैं आपसे इंडिपेंडेंट पॉइंट के ऊपर ही कुछ पॉइंट और पूछता हूं, अगर इंडिपेंडेंट का मतलब मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी, एक बार बोलना क्या है, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी, अगर ऐसा है तभी तो कह पाओगे आप इंडिपेंडेंट हो, बात समझ आ रही है, गुड। मैं क्या कहना चाह रहा हूं ऑडिटर, अच्छा एक बात पूछता हूं तुम, अगर ऑडिटर्स के एक्शंस, ऑडिटर की डिसीजंस, डिसीजंस को जजमेंट कहते हैं, ऑडिटर की डिसीजंस, ऑडिटर के एक्शन अगर सबॉर्डिनेट टू क्लाइंट है, सर ये क्लाइंट क्या होता है बेटा, जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट करने जाते हो उसे हम कहते हैं क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन, जयकार लगाओ, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, दम नहीं है, क्या कहते हैं, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम ऑडिट करने जाएंगे वो होती है क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। चलो मैं आपसे पूछता हूं, ये ऑडिट करने जा रहा है एबीसी लिमिटेड में, ये ऑडिट करने जा रहा है एबीसी लिमिटेड में, इसे हम क्या कहेंगे, दम नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे, अच्छा इस ऑर्गेनाइजेशन को, अच्छा क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन को हम ऑडिटी भी कहते हैं, जो कर लगाना बेटा, क्या भी कहते हैं, दम नहीं है, क्या भी कहते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट करने जा रहे हैं उसे हम ऑडिटी भी कहते हैं, पक्का, यानी इस कंपनी के मेंबर्स ने भेजा है ना चेकिंग करने के लिए, तो जिस कंपनी, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, अभी तो हम कंपनी की बात करें, ऑडिट तो बेटा हर किसी का होता है, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, अभी आज हम पढ़ेंगे,
यानी सीधी सी बात, जो बंदा ऑडिट करने जा रहा है वो ऑडिटर, और जिसका ऑडिट करने जा रहा है वो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन, और क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा नाम। वेरी गुड। चल अब जरा सुनना, हम कह रहे हैं ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। हम कब कह पाएंगे ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है? जब उसके एक्शन सबॉर्डिनेट टू द क्लाइंट। बोलना पड़ेगा क्या? सबॉर्डिनेट टू द क्लाइंट। सबॉर्डिनेट का मतलब अधीन। सबॉर्डिनेट का मतलब क्या है बताओ? ऑडिटर के एक्शन क्लाइंट के अधीन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अगर अधीन नहीं है तभी तो हम कह पा रहे हैं वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, समझ रहे? यानी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कब कह पाएंगे? ऑडिटर्स एक्शन ऑब्लिक जजमेंट। जजमेंट किसे कहते हैं? डिसीजन। शैल नॉट बी सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट का मतलब अधीन। शैल नॉट बी सबॉर्डिनेट टू क्लाइंट। पहला पॉइंट समझ आया? अगर ऑडिटर्स के एक्शन जजमेंट डिसीजंस क्लाइंट के सबॉर्डिनेट है फिर हम इंडिपेंडेंट नहीं कह पाएंगे। इंडिपेंडेंट वो तब कहलाएगा जब उसके एक्शन डिसीजन जजमेंट क्या नहीं है? क्लाइंट के सबॉर्डिनेट नहीं है। पक्का? अच्छा, अगर ऑडिटर का क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का इंटरेस्ट है। बोलना पड़ेगा अगर ऑडिटर का क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का इंटरेस्ट है तो बताओ बेटा वो इसका ऑडिट सही ढंग से करेगा या गड़बड़ वाला करेगा? यानी वो कंपनी के, उसका इंटरेस्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन में तो वो अपने इंटरेस्ट, क्योंकि अगर वो बुराइयां करेगा तो बाहर उस कंपनी की बुराई होगी, और बुराई होगी तो उसका इन्वेस्टमेंट अगर हुई हुई है या कुछ भी, वो उस कंपनी का एम्प्लॉय है तो उसके फाइनेंशियल इंटरेस्ट पे फर्क पड़ जाएगा, तो इसलिए वो उसकी बुराइयां बाहर करेगा ही। यानी आपके हिसाब से उसका क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का इंटरेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यानी ऑडिटर शैल नॉट हैव एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट। ऑडिटर शैल नॉट हैव एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। That is, he should not be, employee or relative of the दो बातें समझ आ रही हैं अभी तक की? पहला आप क्या कह रहे हो? वो उसके एक्शंस जजमेंट्स क्या नहीं होनी चाहिए? सबॉर्डिनेट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आप क्या कह रहे हो कि उसका किसी भी तरीके का इंटरेस्ट क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से मतलब ना तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो और ना ही, समझ आ रहा है आपको? चलो मैं आपसे एक बात करता हूं। एक वर्ड होता है इन्फ्लुएंस, एक बार बोलना बेटा वर्ड क्या होता है? अगर ऑडिटर किसी पर्सन के इन्फ्लुएंस में है, किसी पर्सन के प्रभाव है या किसी से प्रभावित हुआ हुआ है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो आप बताओ क्या फिर वो इंडिपेंडेंट है? यानी आपके हिसाब से ऑडिटर किसी के इन्फ्लुएंस में भी नहीं होना चाहिए। बोलना पड़ेगा ऑडिटर किसी के इन्फ्लुएंस में भी, यानी ऑडिटर should not be under the influence of any person. Auditor should not be under the influence of any person. यानी अगर auditor किसी के प्रभाव में है फिर वो independent कहां से रहा? फिर तो वो उस पर depend है ना। तो यानी हम कह रहे हैं
ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन बताओ कब कहलाएगा, जब वो क्या नहीं होना चाहिए, सबॉर्डिनेट नहीं होना चाहिए। अच्छा दूसरा, उसका इंटरेस्ट यानी, और लास्ट, वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। सर इतनी देर से ना आप चीखी जा रहे हो एक ही बात, क्या बेटा, कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये कहीं पर बता रखा है या आप अपने मन से इतनी देर से पढ़ाई जा रहे हो? बेटा बता रखा है, कई जगहों पर बोल रखा है कि जो ऑडिट करने आए ना पर्सन वो इंडिपेंडेंट हो। ऐसा मैं नहीं कहता, सब यही मानते क्या? नहीं नहीं, नहीं, नहीं। शौकीन हो तुम भी है? देखो बेटा पढ़ना तो है ही, खुशी खुशी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंसी ऑफ ऑडिटर रिक्वायर्ड ड्यू टू, कह रहे इंडिपेंडेंसी ऑफ ऑडिटर रिक्वायर्ड ड्यू टू, बार बार कह रहे हैं ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, ऐसा कौन कहता है? जरा सुनो, ड्यू टू द कंपनीज एक्ट 2013 नहीं बोलते, आपका बोलते हैं क्या 2013? बड़े बदतमीज हो यार। इंडिपेंडेंसी रिक्वायर्ड ड्यू टू द कंपनीज एक्ट 2000 आपका, हाँ ए बढ़िया, मतलब ये बढ़िया है। चलो और सर, और क्यों इंडिपेंडेंट होना चाहिए? द चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट, चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 भी ये कहता है, क्या कहता है, कि ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। अच्छा और कौन? ऐसे नंबर 200, ऐसे नंबर 2 नहीं बोलते, मैं 100 है देखना जरा, कह रहे ऐसे नंबर आप 100, आप 100 मतलब 200, ठीक है ना। ऐसे नंबर 200 भी ये बात कहता है, यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में भी यही बात कही गई है कि ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। ऐसे नंबर 220 भी यही कहता है। ये सिर्फ नंबरिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 200 ऐसे पढ़ने हैं, फिर तो बेहोश हो जाएंगे बेटा, समझ आ रहे, ऐसे की नंबरिंग है बस। मैं आपको नंबरिंग का रीजन भी बताऊंगा क्यों ऐसा है, कि ऐसे नंबर 200 ही क्यों बोला गया, ऐसे 220। अभी आप अभी के लिए थोड़ा सा याद कर लो यार, ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए बोला पड़ेगा, ऑडिटर एक, ऐसा कौन कहता है? कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, द सीए एक्ट 1949, एसए एसए 220, समझ आ रहे है? सर अब हमें एक बारी बात बताना, हम कैसे नोट करें, जरा सुन बेटा, आपको जहां आपने पहले ये एग्जांपल बना लिया था, है ना, इसके बाद आपने एक हेडिंग डालनी है डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग गिवन बाय आईसीआई। ऐसा नहीं है कि जो मैं पहली क्लास ले रहा हूँ इसमें से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप मान कर चलो, ठीक है ना। अब सुनो, ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है बेटा, इसके बाद ना आप 3-4 लाइनें छोड़ देना, उसके बाद पहला वर्किंग नोट स्टार्ट करना, ये ना। उसके बाद ये पहला वर्किंग नोट स्टार्ट करना, फिर दूसरा वर्किंग नोट स्टार्ट करना, समझ रहे, यानी मैं डेफिनेशन को, अभी ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं करी बच्चे मैंने, तो आप क्या करो यहां तक लिखो, फिर 3-4 लाइनें छोड़ दो और फिर मैं बताऊंगा क्या लिखो। तो आप सब एक हेडिंग बना सकते हैं, क्या, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग गिवन बाय आईसीएआई,
इसमें बेटा सब होता है, टेंशन ना। बेटा जहाँ एग्जामिनेशन खत्म होती है तीन चार लाइनें छोड़ देना। छोड़ दी, यहाँ तक पहुंच गया है? इसके यहाँ लाइन मतलब थोड़ा स्पेस छोड़ दो। आपका नाम बंटी है क्या? क्योंकि क्योंकि आपका साबुन स्लो है। चलो कोई नहीं, देखो हम बेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं की बारी आएगी, मेरी खुद की बारी भी आएगी, बीच बीच में आप सबकी बारी भी आएगी, तो एक एक करके आप सबको निपटाएंगे हैं। चलो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन तक हो गया, इसके बाद बेटा 3-4 लाइन छोड़ दी आपने ताकि डेफिनेशन को हम कंप्लीट कर पाए और फिर ये करके दिखाओ। सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन मतलब अकाउंट्स के लिए जैसे AS और INDAS होते हैं, ऑडिट पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं जिन्हें हम SS के नाम से पुकारते हैं। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू फॉलो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। फिर सेकंड पॉइंट बनाएंगे आप इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन से क्या मतलब है कि अगर ऑडिट करने वाला पर्सन इंडिपेंडेंट पर्सन होगा तभी हम कह पाएंगे उसके द्वारा करी गई एग्जामिनेशन भी इंडिपेंडेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुई है, यहां तक समझ आ गया बेटा? चलो पहले नहीं यहां तक नोट कर लेना, इसी में पॉइंट बनेंगे ना। जो बंदा ऑडिट कर इसी के अंडर लिख रह गया पुराना, बेटा कुछ बच्चों का रह गया है। हाँ जी बेटा,
हुई है। अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन होगा तभी हम कह पाएंगे कि जो एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुई है वो इंडिपेंडेंट तरीके से हुई है। फिर इसके बाद जो पर्सन ऑडिट करने जा रहा है वो ऑडिटर, और जिसका वो ऑडिट करने जा रहा है वो ऑडिटी या क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। सबऑर्डिनेट मेरे इशारों पे चल रहे हैं, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई जो होता है वो एम्प्लॉयर के इशारों पे चलता है ना, जो एम्प्लॉयर का है वो होता है अधीन, सुपीरियर सबऑर्डिनेट। कले होते हैं यहाँ पर मर्जी है वो आपकी, मतलब इसकी समरी होगी। सबऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट में नहीं होना चाहिए, इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए, वो आपकी कॉल है, आप डिसाइड करो। ठीक है चले आगे। Independency of auditor required due to Companies Act 2013, the CA Act 1949 or SA 200 or SA 220।
यहां तक का पॉइंट क्लियर है बच्चे? चलो बहुत बढ़िया। अब डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। कह रहे हैं ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, लेकिन किस चीज की? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। अभी तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह रहे थे, यहां आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ले दिया। हम नहीं खेल रहे सर आपके साथ। नहीं नहीं यार रुको, मेरी बात सुनो, खेलना जरूरी है आज। ये पहले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब समझ लेते हैं, फिर आप कहोगे यार सर आपने वहां भी सही बोला था और यहां भी सही बोले। लेकिन दो मिनट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप अपनी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिख लो पहले, जहां पर आपने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ था। लिख लिए, उस पर क्या मार्क कर देंगे? 3। कर लिया 3 मार्क। चलो अब मैं डिफाइन करना स्टार्ट करता हूं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। चलो बेटा, ऑडिटर क्या चेक करने गया था आपके हिसाब से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको याद होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसपीएल होता है। एसपीएल में आपको याद होगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, फिर इसके बाद टोटल, फिर ऐसी एक्सपेंसेस में क्या आ जाता है? परचेजेस, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना, चेंज इन स्टॉक, याद आ रहा है आपको? फिर और भी होता है जैसे डेप्शन एंड अमोर्टाइजेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, ठीक है ना, फाइनेंशियल कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, फिर इसके बाद इसको टोटल करके आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, फिर टैक्स माइनस करते हैं, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है, याद है ऐसा कुछ होता है। फिर आपकी एक बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में आप यहाँ कहते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, अच्छा फिर आप लिखते हैं नॉन एसेट्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, कुछ इस तरह की बातें आप लिखते हैं। मैं आपको बताता हूं बेटा, देखो फाइनेंशियल मतलब पैसा, इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना, यानी वो सारी चीजें जो पैसे की सूचना देती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं, वो क्या होती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बताओ हमारी सेल इतने की हुई, ये क्या दे रही है? पैसे की सूचना तो दे रहे। अदर इनकम ये है, इतने का सामान खरीदा, इतने का कंज्यूम्ड हुआ, यानी ये सब इंडिविजुअल आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो जो भी एक एक आइटम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो सब क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बोलना पड़ेगा वो क्या है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर एक आइटम ही क्या होती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और ऑडिटर जब सभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक कर लेगा, तो एक तरह से उसने क्या चेक कर ली? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलना पड़ेगा फिर उसने क्या चेक कर ली, यानी मैं आपसे एक बात करूं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फर्क है? The individual item of the financial statement is known as financial information. या इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, The whole set of financial information is known as financial statement. यानी individual item of financial statement क्या है? Financial information. और मैं इन सबको plus कर दूं, तो ये क्या बन जाएगी? Financial statement. समझ आ रहे हैं? आगे बात बढ़ाते हैं। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, When फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पुट इन टू द स्ट्रक्चर्ड वे, इट बिकम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जब आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, इंडिविजुअल आइटम को एक स्ट्रक्चर में पुट करते जाते हैं, जब
कंप्लीट हो जाती है सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर में, वो स्ट्रक्चर के अंदर अब सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ चुकी है, तो अब हम कह सकते हैं वो क्या बन गई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कारण लगाओ क्या बन गई है, समझ रहे हैं मेरी बात। चलो मैं आपसे बात करता हूं, अभी नोट मत करना, मुझे टाइम दूंगा। द इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोन एज क्या, यानी जो भी चीज आपको पैसों की सूचना दे रही है वो क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना। या मैं ऐसा कह सकता हूं, द होल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नोन एज फाइनेंशियल, समझ रहे हैं मेरी बात, द होल सेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नोन एज, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं, व्हेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज पुट इनटू द क्या, स्ट्रक्चर्ड वे इट बिकम्स क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सर एक सवाल उठता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन आप कंपनी लॉ में भी पढ़ेंगे, वही मैं अभी आपको बता रहा हूं। यानी मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अगर मैं बोल रहा हूं ऑडिटर तुम्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करनी है, तो ऑडिटर को एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करनी है सारी, और जब सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक कर लेगा तो हम एक तरह से कहेंगे उसने क्या चेक कर लिया है। यानी मैं ब्रैकेट में दैट इज क्या लिख सकता हूं, आपको इस बात से कोई दर्द तो नहीं है, आप मेरी बात जरा सुनना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, कह रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, यानी ऑडिटर जब हम कह रहे हैं ऑडिटर तो आप पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करोगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चेक करोगे जरा सुनो, पहला क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, बोलना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ, सर इसे हम एसपीएल के नाम से भी जानते हैं, है ना। दूसरा बैलेंस शीट, मजा नहीं आ रहा, दूसरा, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, बोलना पड़ेगा तीसरा। अच्छा ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसकी डेफिनेशन कहां दे रखी है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सेक्शन 2 क्लॉज 40, सेक्शन 2 क्लॉज 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा इसके बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़ के फोर्थ क्या होता है, नोट्स टू अकाउंट, सर हम भी बोलना चाहेंगे, बोलो ना बेटा फोर्थ क्या होता है, ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, बोलना पड़ेगा क्या होता है फिफ्थ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। पांच चीजें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती हैं जो ऑडिटर को चेक करनी होती है, पांच चीजें जरा सुनाना स्टार्ट करो। पहले तो एक बात बताओ इसका सेक्शन कौन सा, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज, दोबारा सेक्शन नंबर क्लॉज ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो क्या कहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड फाइव थिंग्स, पहला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा फोर्थ फिफ्थ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब एक नोट की बात करते हैं बेटा, कुछ टाइप की कंपनी है जिनको ये कहा गया है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी,
यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऑडिटर ऑडिट करने गया है तो फिर वो वहां पर उसको क्या नहीं मिलेगी, यानी उसको बाकी जगह पे ये चार चीजें करनी है। सर बताना कौन कौन सी, यानी फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड, फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड CFS। सर कौन कौन सी, OPC, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी और स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। यानी ये चार कंपनी के नाम याद करो, पहला कौन सा OPC, दूसरी स्मॉल कंपनी, तीसरी डॉर्मेंट कंपनी और फोर्थ स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। बोला पड़ेगा चारों, पहली दम नहीं है, पहली दूसरी तीसरी फोर्थ स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, इन चारों को CFS बनाने की जरूरत। चलो एक बारी चलो अब मैं आपसे एक और बात भी पूछ रहा हूं, इनको आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहोगे, ठीक है। एक और बात पूछता हूं आपसे बेटा, आपको ना कई AS कहते हैं यार ये चीज आपको डिस्क्लोज करनी है, ये चीज आपको क्या करनी है, तो क्या ऑडिटर को डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी देखनी है? हाँ, यानी ऑडिटर तुम्हें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जयकार लगाओ, क्या क्या, जैसे अब आपको याद होगा जब जब मेथड चेंज होता है तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में बताना पड़ता है कि हमारा पुराना मेथड कौन सा था, नया मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा है, हम मेथड चेंज क्यों कर रहे हैं और उसकी वजह से फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या आया। यानी कुछ बातें अकाउंट्स में एंट्रीज होती हैं और कुछ की क्या होती है, डिस्क्लोजर्स। तो ऑडिटर तुम्हें क्या करना है, डिस्क्लोजर्स को भी चेक करना है, यानी ऑडिटर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो तुम्हें चेक करनी है वो बोथ करनी है, कौन कौन सी, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव, यानी जो अमाउंट्स बता रहे हैं अकाउंट में वो तो तुम्हें चेक करने ही, उसके अलावा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी चेक करने है। पॉइंट समझ आ रहा है? तो आपने एक डेफिनेशन में ये लिख लिया था बेटा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसको पॉइंट नंबर 3 मार्क कर लिया। अब थर्ड नंबर का वर्किंग नोट करना है तो करो, ये हटा दू, ये आपने हेडिंग बना ली, ये नोट करना नहीं ना, अब ये कर लो लेकिन उसके अंदर नोट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर। The individual item of financial statement is known as financial information. In other words, the whole set of financial information is known as financial statement. When financial information is put into the structured way, it becomes financial statement.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड एसपीएल बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट, कौन कौन सी को, ओपीसी को, स्मॉल कंपनी को, डॉर्मेंट कंपनी को और स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी को। अच्छा फोर्थ चीज जो इंक्लूड होती है नोट्स टू अकाउंट, और फिफ्थ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। चलो मुझे एक बार फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मीनिंग बता दो। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब द इंडिविजुअल आइटम ऑफ इज नोन एज द होल सेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नोन एज व्हेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पुट इनटू द स्ट्रक्चर्ड वे इट बिकम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 40 बोलना पड़ेगा। एज पर सेक्शन क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहते हैं वो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। लेकिन चार टाइप की कंपनी को क्या नहीं बनाना, पहली ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी और स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। बहुत बढ़िया, चले आगे कहानी बढ़ाए। अब वापिस डेफिनेशन पर आ जाओ। क्या यही जीवन है, चलो आगे बात करते हैं। ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ऑफ एनी एंटिटी, बोलना पड़ेगा ऑफ एनी एंटिटी। एक बार यहां तक की डेफिनेशन याद करें, देखते हैं आपको याद हुई है या नहीं है। चलो आओ खेलें, इधर ध्यान दो सारे बच्चों, बताओ ऑडिटिंग की डेफिनेशन गिवन बाय आईसीएआई क्या है। ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। कई बच्चों ने नहीं बोला बेटा, उनको उनके फर्स्ट ग्रुप के रिजल्ट की कसम। दोबारा बोलेंगे क्या है, ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, यानी किसी भी एंटिटी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करने को हम क्या कह देते हैं, ऑडिट। सर यहाँ एनी एंटिटी वर्ड जो यूज हुआ है इसका क्या मतलब है, ये तो हमें समझाओ। आ जाओ यार, ये टाओ पॉइंट नंबर 4। खेले क्या, आप सबका ध्यान इधर है, गुड। कह रहे हैं आपने एंटिटी का ऑडिट करना है, अब जरा सुनना बेटा, इधर ध्यान देंगे। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, क्या उसे ऑडिट करवाना है या नहीं कराना, जरा सुन लो बच्चे प्लीज, आप सब इधर ध्यान देंगे। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को क्या ऑडिट करवाना है या नहीं, सवाल उठा। हमने कहा भाई करवाना है, क्यों नहीं करवाना, वो कह रहे हम खुद ही बता रहे हम प्रॉफिट में हैं, तो हम तो बता रहे हैं ना हम प्रॉफिट में है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, फिर क्यों चेकिंग करवा रहे हो। ओ भाई तुम करेक्ट प्रॉफिट शो कर रहे हो या गलत, हो सकता गुड, तुम सही प्रॉफिट शो कर रहे हो या गलत हमें क्या पता। इस बात का पता लगाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या करवाई जाएगी, चेकिंग, यानी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को ऑडिट करवाना है। एक कंपनी बताऊं कौन आई, अंडर सेक्शन 8 कंपनी,
ठीक है ना, एनजीओ एनपीओ जो भी आपको दिल में लगे कोई बात बोल दो, कोई बात नहीं है। अंडर सेक्शन 8 कंपनी को कराना है या नहीं कराना? करवाना है बेटा, इसमें बहुत सारा दान आता है और जो ट्रस्टी वगैरह होंगे और जो इसको हेड होंगे वो दान का पैसा अपने घरों में लेकर तो नहीं जा रहे, समझ रहे हैं? तो वो पता लगाने के लिए इनका भी चेकिंग होनी चाहिए। लॉस मेकिंग कंपनी ना रो रही है, हाँ जी बेटा, उसके उनको कराना होता है जो जो मतलब उसके मेंबर्स वगैरह अंडर सेक्शन 8 कंपनी के, सेम प्रोसीजर लगेगा। लॉस मेकिंग कंपनी को, लॉस मेकिंग कंपनी कह रही है हम पहले ही बहुत घाटे में हैं, हमारे ऊपर ऑडिट का खर्चा और डाल रहे हो, हम नहीं करा रहे ऑडिट। भाई आईसीआई कहता है उसके भी कराना है, क्या आपका तुम झूठ बोल रहे हो, क्या आपका तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें क्या हुआ है, हो सकता ना हुआ, ठीक है ना? तो यानी इससे भी कराना है। इन्होंने तो बताऊं क्या कह दिया, कंपनी को ही नहीं, एक सेंटेंस बोला है इसमें, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड, ये सेंटेंस है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हैं आप किसी भी तरह की एंटिटी हैं, आप सबको क्या करवाना है, ऑडिट। आप किसी भी तरह की एंटिटी हैं, आप सबको क्या करवाना है, एक बार ये सेंटेंस याद करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, याद है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इतने इतने थे 11th क्लास की बीएसटी में पढ़ी थी, एचयूएफ होता था, सोल प्रोप्राइटर होता था, एलएलपी होता था, पार्टनरशिप फर्म होता था, कंपनी होता था, कई कह रहे हैं ऐसा भी कुछ था बेटा 11th क्लास की जब बेस्ती पढ़ते थे, बेस्ती समझते हैं, वही बेस्ती, मैं उसको बेटा बेस्ती बोल रहा हूं। चलो पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको, यानी सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशन को क्या करवाना है, ऑडिट, बोलना पड़ेगा, सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशन को क्या करवाना है, चाहे तुम किसी भी फॉर्म में हो तुम्हें ऑडिट तो कराना है, समझ रहे हैं इस बात, पक्का, गुड यार, बहुत बढ़िया। चलो डेफिनेशन में बात, अच्छा पहले नोट करना है, कर लो फिर, डेफिनेशन में याद है ऑफ एनी एंटिटी लिख लिया था, उस पर 4 मार्क करेंगे, फोर मार्क कर लिए बेटा, अब फोर्थ वर्किंग नोट बना दो,
कर ले बच्चे नोट सबने। चलो यार बहुत बड़े कर दे, वो भी हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ऑडिट में वॉलेंट्री कैटेगरी में होते हैं, लेकिन कई बार इनकम टैक्स एक्ट लगने की वजह से अगर उसने अपनी एक लिमिट तोड़ दी तो फिर उसे भी करवाना पड़ता है। हम पढ़ेंगे कई वॉलेंट्री कैटेगरी वाली होती है और कई कंपल्सरी कैटेगरी वाली होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट। इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है और कई मर्जी है, ठीक। अगली क्लास तक का वेट करना पड़ेगा आपको। खेले चलो आ जाओ। डेफिनेशन सर कितनी सी रह गई है डेफिनेशन, बस अब लास्ट सेंटेंस रह गया। पहले मुझे यहां तक सुना दो। ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी कॉमा विद अ व्यू टू एक्सप्रेस any opinion thereon, with a view to express any opinion thereon, with a view to express any opinion thereon। आओ जरा बहुत आसान सी बात करते हैं, आप इधर ध्यान दो बेटा। मैं बहुत इजी कर देता हूँ आपको डेफिनेशन का अगला सेंटेंस, फिर हम इसको ओपिनियन शब्द को समझेंगे भी अलग से, ओपिनियन शब्द को अलग से समझेंगे भी, लेकिन इस डेफिनेशन को आपको कंप्लीट करके यहीं पर अब इसके बाद दोबारा ये डेफिनेशन नहीं दिखाऊंगा। तो जरा सुनना, विद अ व्यू की जगह ना मैं क्या लिख सकता हूं, विद एन ऑब्जेक्टिव, और देयर ऑन शब्द की जगह मैं लिख रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो अब आपको समझ आ जाएगा, कह रहे ऑडिट क्या है, सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट तरीके से करे जाने वाली एग्जामिनेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो किसी की एंटिटी की थी, जिसके पीछे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव था कि वो क्या एक्सप्रेस कर पाए ओपिनियन किस चीज पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। यानी विद अ व्यू का लगा मैं क्या लिख सकता हूं, विद एन ऑब्जेक्टिव, एंड अ व्यू की जगह क्या वर्ड यूज कर सकता हूं, एंड ऑब्जेक्टिव बोलना पड़ेगा, क्या यूज कर सकता हूं, यानी विद एन ऑब्जेक्टिव ऑडिट इस उद्देश्य से करा गया है ताकि ऑडिटर क्या एक्सप्रेस कर पाए ओपिनियन, देयर ऑन मतलब किस पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। हम डेफिनेशन ओरिजिनली याद करेंगे, लिखेंगे यही, लेकिन अंदर मन में साथ साथ ये चलेगा, बोलना पड़ेगा क्या है, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन देयर ऑन। सर हम भी बोलेंगे, बोलो, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन देयर ऑन। एक बारी और लास्ट, विद अ व्यू मतलब विद एन ऑब्जेक्टिव, टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन का मतलब ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपना ओपिनियन, मजा नहीं आ रहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपना ओपिनियन, समझ आ रहा है, आपकी वजह डेफिनेशन का पोर्शन कंप्लीट हो गया। ओपिनियन शब्द को हम समझेंगे पॉइंट नंबर 5 बनाते हैं। खेले आगे, अच्छा मैं आपको ना, जब आप इतने थे थोड़ी देर पहले, अब आप थोड़े बड़े हो गए, ऑडिट में थोड़ी ग्रोथ हो गई आपको, ठीक है ना, इतने थे, मैंने आपको एक सेंटेंस सिखाया था, ऑडिटर को क्या देना होता है, ओपिनियन, ना कि सर्टिफिकेट। सर हम भी बोलेंगे, ऑडिटर को क्या देना होता है, ना कि, दोबारा, ऑडिटर को क्या देना होता है, ना कि, गुड यार बहुत बढ़िया यार, हम कह रहे हैं ऑडिटर को ओपिनियन देना होता है। अच्छा ओपिनियन कब देना होता है, स्टार्टिंग में या एंड ऑफ ऑडिट में, यानी पहला पॉइंट ही यही लिखते हैं, एट द एंड ऑफ ऑडिट कॉमा ऑडिटर इज
required to express his opinion. कह रहे हैं एट द एंड ऑफ ऑडिट, ऑडिटर को क्या एक्सप्रेस करना होता है बेटा? ओपिनियन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बोलना पड़ेगा, इन द फॉर्म ऑफ, यानी एट द एंड ऑफ ऑडिट ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. फुल स्टॉप. Such audit report indicates whether the financial statement prepared and presented by the management of the client organization gives true and fair view or not. कह रहे हैं जरा सुनो बेटा, अभी नोटिंग करवा दूंगा मैं आपको, नोटिंग की टेंशन ना लिया करो, पहले समझने की कोशिश करो. हम पहले समझने पे फोकस करेंगे बेटा. आपका सबसे पहले ना कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आपको पेपर कॉन्सेप्चुअल आता है. ठीक है, तो आप जरा सुनेंगे. कह रहे हैं ऑडिट के एंड पर ऑडिटर को ओपिनियन देना होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. किसको? टू द मेंबर, टू द मेंबर. ठीक है जी. अच्छा, ये ऑडिट रिपोर्ट क्या इंडिकेट कर रही होती है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड. सर दो शब्द है, प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बोलना पड़ेगा. दो शब्द क्या क्या है? यानी प्रिपेयर्ड का मतलब बताऊं क्या हो गया? अकाउंटिंग. प्रेजेंटेड मतलब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. ओ ये बात है, अंदर से आवाज आई है मेरी? नहीं आई? अभी आ जाएगी. प्रिपेयर्ड वर्ड का मतलब है अकाउंटिंग. क्या मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग ठीक करी है? और साथ साथ तो तभी शब्द. आपको दो भाई है, ये जहां वर्ड प्रिपेयर्ड आएगा साथ में दूसरा भाई भी आएगा. ये दो पक्के दोस्त कह लो इन्हें, प्रिपेयर्ड एंड. जहां प्रिपेयर्ड वर्ड आ गया वहां पर साथ में क्या भी आएगा? प्रेजेंटेड. क्योंकि ऑडिटर को सिर्फ अकाउंटिंग पे नहीं ओपिनियन देना, किस पर भी देना है. डिस्क्लोजर प्रेजेंट करें. समझ आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? ऑडिट रिपोर्ट इंडिकेट्स वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. समझ आ रहा है आपको? पक्का बोलना पड़ेगा आपको. मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं? एट द एंड ऑफ ऑडिट, ऑडिट के अंत में ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू गिव ओपिनियन इन द फॉर्म ऑफ टू द. और सच ऑडिट रिपोर्ट इंडिकेट्स क्या? वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. समझ आ गई? चलो बहुत बढ़िया यार, एक बार ये नोट करो फिर आगे बात करते हैं.
खेले आगे। चलो एक दो शब्द आपको सिखाते हैं, जरा सुनो। ऑडिट एक लैटिन वर्ड ऑडायर से डिराइव हुआ है। ऑडिट शब्द जो है ये इवॉल्व हुआ है, एक शब्द था ऑडायर। ऑडायर वर्ड का मतलब होता है टू लिसन या टू हेयरिंग। जरा सुनना बेटा, ये वन मार्क में कभी कभार अगर पूछ ले एग्जामिनर तो आपको पता होना चाहिए कि ऑडिट किस शब्द से डिराइव हुआ है, ठीक है। वैसे इतना बच्चों वाला सवाल पूछेगा लेकिन हमें नॉलेज होनी चाहिए बेटा। ऑडिट एक कौन से शब्द से डिराइव हुआ है, मैं नहीं आ रहा। ऑडिट एक कौन से शब्द से डिराइव हुआ है, और डायर वर्ड का मतलब होता है टू लिसन या टू हेयर। अच्छा समझते हैं सर, आप तो बोल रहे थे ऑडिट का मतलब टू चेकिंग होता है, अभी आप कह रहे हो लिसन, दोनों में तो बहुत डिफरेंस है। सुनो बेटा एक बार मेरी बात, क्राइम पेट्रोल देखते हो, कभी देखा है वो पूरा केस कैसे सॉल्व करते हैं, सुन सुन के बातें पूछते हैं और उनकी बातों में उनको कुछ खटकता है और उससे वो पूरा केस सॉल्व कर लेते हैं। पहले ऑडिटर भी ऐसा था, वो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में जाता था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से बातचीत करता था, इंक्वायरी करता था और इंक्वायरी करते करते उनकी क्वेश्चन पूछता था, उनका जो जवाब आता था वो सुनता था और उसके बेसिस पर बताता था यहाँ यहाँ पर क्या है गड़बड़, समझे। तो एक वक्त तक ये डेफिनेशन चली लेकिन आज सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज के फ्रॉड बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से करे जाते हैं, आज के फ्रॉड बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से करे जाते हैं। तो देयरफॉर सिर्फ सुनने से काम नहीं करना पड़ेगा, चेकिंग करनी पड़ेगी, समझ आ गया। अच्छा ऑडिट एक लैटिन वर्ड से डिराइव है जिसका नाम क्या है, सर हम भी बोलेंगे क्या नाम है, और डायर शब्द का मीनिंग टू हियर या टू लिसन, बोलना पड़ेगा टू हियर या, पॉइंट क्लियर हो रहा है। अच्छा एक और शब्द है, ऑडिटर्स ऑफ ऑडिटर्स कंपोर्टी, इसका मतलब है ऑडिट ऑफ कंपनी, बोलना पड़ेगा क्या नाम है इसका, ऑडिट ऑफ कंपनी। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको पक्का। अच्छा वैसे अब ऑडिट का मतलब क्या है, टू चेक या फिर टू वेरीफाई या एग्जामिनेशन, कुछ भी शब्द यूज कर लो। पॉइंट समझ हो रहा है, ये पॉइंट नोट करो। पहले हियरिंग तक चल जाता था यार, सुन सुन के केस सॉल्व कर लेते, लेकिन अब वो काम नहीं हो पाएगा, अब आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। ए यू डी आई आर ई ऑडायर, टू लिसन या हियरिंग, ऑडिटर्स कम बॉडी, ए यू डी आई टी यू एस सी ओ एम पी ओ टी आई, इसका मतलब है ऑडिट ऑफ कंपनी, जिसका मतलब क्या होता है टू चेक या टू वेरीफाई। खेलेंगे गेम आगे बढ़ाए, वैसे हमारा आज का मतलब कंटेंट वाइज हो चुका है, एक बात आपके साथ डिस्कस करनी है, ट्रू एंड फेयर और ट्रू एंड करेक्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये हटा दूं तो अगर आप इजाजत दे दें, जरा सुनो बेटा, एक शब्द होता है ट्रू एंड फेयर, ऑडिटर को क्या देना है, ट्रू एंड फेयर के बारे में बताना है, और एक वर्ड होता है ट्रू एंड करेक्ट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा चुका है वन मार्क में ये पूछा जा चुका है कि ऑडिटर को ट्रू एंड फेयर व्यू क्यों देना होता है, ट्रू एंड करेक्ट व्यू के बारे में क्यों नहीं बात करनी होती। सबसे पहली बात, ट्रू एंड करेक्ट और ट्रू एंड फेयर में क्या फर्क है, ट्रू एंड फेयर का मतलब है ये भी ठीक है और भी कुछ ठीक हो सकता है, और इसका मतलब होता है ये ही ठीक है। जैसे अब एक बात करो, आप किसी कंपनी में गए,
वहां पर ना डेप्रिसिएशन का मेथड SLM यूज कर रहे हैं। ऑडिटर को लगता है यहाँ पर बेटर WDV था, लेकिन ऑडिटर कुछ कह पाएगा क्योंकि SLM मेथड भी ठीक है, SLM भी मेथड ठीक है। स्टेट का सुना कभी SLM? नहीं, रिएक्शन तो आपके ऐसे थे, मैं पता नहीं शायद कभी सुना ना हो। ये जिंदगी का नए रंग दिख रहे हैं आपको, नहीं कई बार फीलिंग ऐसी, कईयों ने ऐसी रिएक्शन। ये कब था बेटा आप इतने इतने से तब से बढ़ रहे हैं 11th क्लास से। अच्छा, कंपनी SLM मेथड यूज कर रही है और आपके हिसाब से WDV ठीक है, लेकिन आप कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। लेकिन ये ही ठीक है, आप वो क्या हो गया, मतलब आप ये ही ठीक है, जैसे 100% जब श्योर होते हैं ना तब आप कह सकते हो ये ही ठीक है। तो लेकिन ऑडिटर को तो ओपिनियन देना, सर्टिफिकेट देना ही नहीं है, ऑडिटर को तो क्या देना है। तो ओपिनियन के लिए किससे काम चल जाएगा, ट्रू एंड फेयर से। सर्टिफिकेट थोड़ा देना जब ये ही ठीक है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? एक बार ट्रू एंड फेयर का मतलब बहुत डिटेल में हम ड्यूरिंग द कोर्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही बहुत है। ट्रू एंड फेयर का मतलब ये भी ठीक है और भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि ICAI ने तो बहुत सारे मेथड दिए। जैसे एक होती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, समझते हैं गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन का एवरेज प्रॉफिट मेथड भी है, सुपर प्रॉफिट मेथड भी है, कैपिटलाइजेशन मेथड भी है, मेथड तो सारे ठीक है ना। हाँ, NOT भी है, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ कर आयो, ठीक है। तो सारे मेथड ठीक है ना, तो ऑडिटर को कहां पर चुप रहना पड़ जाता है, क्योंकि वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। ऑडिटर ये नहीं कह सकता ये ही ठीक है, तो इसलिए ऑडिटर को कह दिया गया तुम ओपिनियन दे दो, सर्टिफिकेट देने के बारे में सोचोगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? पक्का एक बार ये नोट करो। करने बेटा, अब जरा बात करते हैं कोर्स कंटेंट की, कि हमारे कोर्स में है क्या यार, है ना। हटा दो बेटा, चलो बेटा देखो, हमारे कोर्स में जो चैप्टर्स हैं टोटल 13 चैप्टर्स हैं। हमारे कोर्स में क्या है बेटा, टोटल 13 चैप्टर्स। मैं कहते हो तो अभी नाम लिखवा देता हूँ, लेकिन अभी आपको कोई फायदा नहीं, समझ नहीं आएंगे। अच्छा ये है, आपको पता होना चाहिए हमारे कोर्स में कितने चैप्टर हैं, 13 चैप्टर्स, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, हम अभी उम्मीद लगाकर चल रहे हैं कि जो आपका पेपर आएगा 100 मार्क्स का, उसमें 70% सब्जेक्टिव होगा और 30% ऑब्जेक्टिव से, अभी मैं मानकर चल रहा हूं, इंटीग्रेटेड MCQ। इंटीग्रेटेड MCQ पूछने के चांसेस हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस और कुछ केस स्टडीज। अच्छा, इंटीग्रेटेड MCQ भी पूछ सकते हैं, वो ट्रू फॉल्स भी पूछ सकते हैं आपसे। अभी तक की मैं ये उम्मीद मान के चल रहा हूं, बाकी पता नहीं कर्मों पे डिपेंड करता है बेटा क्या पूछ लें, ठीक है। सर फिर तो बहुत ही पूछोगी क्या पूछ लेंगे वो, फिर तो उनको आउट ऑफ कोर्स जाना पड़ेगा जिस हिसाब से हमारे कर्म है, ठीक है। अच्छा, आपको ये बात समझ आई, आप फटाफट से ये बात लिखेंगे, आलस नहीं करेंगे। लिखवा दूं, लिख
5 मिनट लगने, चलो 13 चैप्टर्स के नाम लिख लो फिर। पहले चैप्टर का नाम या मैं जब लिखवाता हूँ ये नोट कर लो फिर लिखवाता हूँ। बेटा वो हट गया, ये सब चैप्टर्स हैं जो आपको ड्यूरिंग द कोर्स पढ़ने हैं। ये लिखने के बाद अपना बैग पैक कर लेंगे और मुझसे 5 मिनट बात करके जाएंगे आपका, वो बात बात बताएंगे। पहले आप एक बारी खेले, एक बार नोटिंग करने के बाद, आप सब मेरी बात जरूर सुनेंगे। बैग पैक कर लो,
मुझे 5 मिनट आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कोई बात नहीं, मुश्किल से 3 मिनट, मुश्किल से 3 मिनट, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट पहले आप सबके रजिस्टर बंद होंगे, मेरे को कुछ बात करनी होगी आपसे। आप सब पहले बंद कर लो रजिस्टर, बैग पैक कर लो। चलो ये बाद में नोट कर लेना जिनका रह गया, बाकी आप मेरे से ना। अच्छा सबने बैग पैक कर लिया, चलो अब बिना देखे सारे पूरी क्लास सुनाएंगे आप मुझे। सर ये क्या कर रहे हो, ये पता चलेगा आपको क्लास में कितना समझ आया। रीजन अगर रजिस्टर खुला होगा तो आप देखेंगे, ठीक है ना। आप जरा सुनो, आपको याद हुआ पूरी क्लास। चलो बताओ बेटा, पेपर नंबर, पेपर का नाम, पेपर का नाम, ठीक है। अच्छा ऑडिट वर्ड का मतलब क्या, किसी भी चीज को चेक करना, किसी भी चीज को। लेकिन हमारे कोर्स में किसको चेक करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, समझ आ गया। अच्छा फिर ऑडिटिंग की डेफिनेशन जो किसने दी है, ICAI ने। पहले पूरी डेफिनेशन सुनेंगे। ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन देयर ऑन। अच्छा डेफिनेशन के शब्द उठाते हैं, ऑडिटिंग का मतलब चेकिंग करना, सिस्टमैटिक का मतलब जब भी ऑडिट करो एज पर एसेस करो, एसेस बोले तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, और साथ में इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होती है। हम कब कह पाएंगे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, जब ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा तो उसके द्वारा होने वाली चेकिंग भी इंडिपेंडेंट मानी जाएगी। क्या वो सबऑर्डिनेट होने चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, एम्प्लॉय होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए, इन्फ्लुएंस में होना चाहिए। अच्छा इंडिपेंडेंसी रिक्वायर्ड ड्यू टू कंपनीज एक्ट 2013, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, एसए 200, एसए 220। पॉइंट क्लियर हो रहे, गुड यार बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया था, इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, द होल सेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नोन एज व्हेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पुट इनटू द स्ट्रक्चर वे इट बिकम्स। अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा चार बंदों को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी, ओपीसी, डॉर्मेंट, स्मॉल और स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, पक्का। अच्छा फिर मैंने बोला एंटिटी, सभी तरह की एंटिटी, प्रॉफिट मेकिंग, लॉस मेकिंग, चैरिटेबल, इन रिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपको ऑडिट करवाना ही करवाना। एट द एंड ऑडिटर क्या देगा, ओपिनियन इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें इंडिकेट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या, मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको। अच्छा ऑडिटर को ओपिनियन दे रहा सर्टिफिकेट। अच्छा ऑडिट एक शब्द से डिराइव हुआ है, ओडायर, ओडायर का मतलब टू हेयर या टू लिसन, लेकिन आज के टाइम में टू चेक या फिर वेरीफाई। ऑडिटर्स कंपोर्टी का मतलब ऑडिट ऑफ कंपनी, ऑडिट ऑफ, समझ आ गया। अच्छा ट्रू एंड फेयर का मतलब ये भी ठीक है और भी कुछ ठीक हो सकता है, और ट्रू एंड करेक्ट का ये ही ठीक है। चलो जाते जाते आपको एक चीज सिखाता हूं, मैं बोलूंगा ओहो आपने बोला आ हूं, ठीक है। चलो एक बार गेम खेलते हैं, फिर थोड़ा फ्रेश हो जाता है बंदा। ओहो चलो आज इतना ही करेंगे आज, ओके बाय।